दोस्तों, मेरा नाम समर खान है और आप देख रहे हो इस वक्त मेवात आज तक। दरअसल आज जो हमारी मौजूदगी है वो कामा विधानसभा के इखनका गांव के अंदर हम मौजूद है। भाई सादिक, जी हाँ, मैं आपको बता दूं, युवा नेता है और युवा दिलों की धड़कन है वो। भाई सादिक यहाँ से विधायक पद के भावी उम्मीदवार हैं। आज उनका इंटरव्यू लेने के लिए हम आए हैं क्योंकि उनसे हम राजनीतिक मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। आखिर राजनीति में आने का क्या मकसद था, क्या मामला था उनको, किन किन मुद्दों को लेकर वो राजनीति में आए। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेवात आज तक में। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? लोक जनशक्ति पार्टी, लोक रामविलास पासवान। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका आने का मकसद क्या था राजनीति में? अच्छी खासी आप एक नौकरी कर रहे हो और मैंने नौकरी करते हो, बैंक में मैनेजर की पोस्ट है, वो छोड़ दी, क्या मकसद है, क्यों छोड़ा? एक्चुअली जो आप भी देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारा मेवा जो क्षेत्र है, यहाँ पे नहीं तो अच्छी सुविधाएं मिल पा रही है, ठीक है, और नहीं यहाँ पे पानी है, बिजली है, उनकी समस्याओं से जूझते ही रहते हैं। उसके बाद अगर आप एजुकेशन पे देखो, एजुकेशन के मामले में बिल्कुल अपनी मेवात का जो क्षेत्र है वो अनपढ़ों की गिनती में ही आता है। हाँ, अभी तक किसी ने भी कोई ऐसा अच्छा कदम नहीं उठाया है कि हम अपने भाई बहनों को अच्छे स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे उपलब्ध करा सकें। हमने यही सोचा है कि हम लोग इतने मतलब एजुकेटेड हैं और माशाल्लाह हमने अच्छी पोस्ट से रिजाइन भी किया है बैंक की नौकरी से, तो इसलिए किया है कि हम अपने क्षेत्र को एक अच्छा चमन जैसा बनाएं। उसमें वो जब ही पॉसिबल है जब हम अपने जनता के बीच में जाएंगे और उनका सपोर्ट लेके हम एक मतलब मुख्य कैंडिडेट बन के यहाँ से उभरेंगे, तो वो जब ही संभव है। अच्छा, क्या लगता है आपके सामने बहुत से ऐसे चेहरे हैं, क्या उनको मात दे पाओगे आप? जी देखिए, ये तो राजनीति है, बाकी हम अपने विकास के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह तमाम जो यहाँ की विधानसभा की क्षेत्र की जो जनता है वो इंशाल्लाह हमारा साथ देगी, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट चेंज या फिर पार्टी चेंज या फिर नेता चेंज बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे किसी का कोई सहयोग ही नहीं करता है। आज बिजली देखिए, बिजली की टंकी के लिए कितने दिन तक भटकते रहते हैं। पानी के लिए हमारी माँ बहनें हैं जो दूर दूर गांवों से पानी के लिए भाग जाती है, और उनके आप यकीन कर सकते हो कि जो जेगड़ होती है सर पे, उसमें कितना वजन होता है, अगर 2 किलोमीटर से पानी आता है, ठीक है, ओबेसली बात है, उनके जो सर के बाल हैं वो भी झड़ चुके हैं, ठीक है, बहुत किल्लत है पानी की, बिल्कुल उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, कहते हैं कि जो राजस्थान है कामा विधानसभा, यहाँ टिकट के पीछे वोट जी जाती है, जी इस बार क्या लगता है आपको? देखिए सर, टिकट जो जैसे पार्टियां हैं, टिकट भी है, निर्दलीय भी लड़ रहे हैं लोग, ये तो जनता का है, क्या मन बनता है, किसको सेलेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह जनता इस बार पूरे मूड में है चेंज करने के लिए। अगर आप इखनका से कामा जाते हो, 15 किलोमीटर पड़ता है मैक्सिमम, अगर किसी रूट से भी जाते हो आप 1.5 से 2 घंटे में पहुंचोगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कितना विकास हुआ है, ठीक है। रोडों में गड्ढे हैं, नीचे गाड़ियां तो चली नहीं सकती, बड़े बड़े टायरों वाली गाड़ी यहाँ पे लोग खरीदते भी हैं, वो भी कुछ टाइम तक ही चलती है, किसी का टायर फट जाता है, किसी का एक्सल टूट जाता है, वो गड्ढे इतने हैं सर। अगर कामा विधानसभा की जो जनता है उन्होंने अपना प्रतिनिधि आपको चुन लिया, तो विकास के कौन कौन से अहम मुद्दे हैं आपकी नज़र में जिनको लेकर आप राजनीति में? सर, मेरे सबसे बड़े मुद्दे यही हैं, शिक्षा है, पानी बिजली है, लोगों की और भी ज़रूरतें हैं, उसके बाद मेडिकल सुविधा है, बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि यहाँ पे कोई मेडिकल ऐसा है ही नहीं कि जहाँ पे हम किसी को इमरजेंसी में प्राथमिक उपचार के लिए भी जो भी मेडिकल यहाँ पर निर्धारित की जाती है ना, वो भी नहीं है। उसके बाद स्कूलों में आप जाके देखिए, सिर्फ दीवारें खड़ी हैं, टीचर नहीं है, बच्चे नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जितने भी ये लोगों ने फॉर्म भरे हैं, नॉमिनेशन भरे हैं, ये लोग बाद में अपना नॉमिनेशन खींच लेंगे, वापस ले लेंगे, इस पर क्या कहोगे आप? कहीं ऐसा नहीं आप वापस नॉमिनेशन ले लो अपना खींच? देखो सर, आपको पता है जब मैं एक बैंक की नौकरी छोड़ सकता हूँ अपनी जनता के लिए, तो इंशाल्लाह मैं फाइट करूँगा, बैक नहीं होऊंगा, ये कन्फर्म है। जो यहाँ की जनता आपको देख रही है, सुन रही है, उनके लिए क्या मैसेज दोगे? मैं जनता से यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना अच्छा लीडर चुनिए जो आपका विकास कर सके, बाकी ये राजनीतियाँ तो चलती रहती हैं,
ठीक है, इनका कोई एंड नहीं आता है। इसमें यही है मेरा सजेशन जनता से कि आप अच्छा लीडर चुनिए जो आपके विकास की बात कर सके, जो आपके पीछे खड़ा होकर हर चीज़ की लड़ाई कर सके। आप डोर टू डोर जा रहे हो, आप गांव-गांव जा रहे हो, डोर टू डोर आप लोगों से मिल रहे हो, उनसे बातचीत कर रहे हो, तो आपको किस तरह का रिस्पांस लोगों की तरफ से मिल रहा है क्या? देखिए सर, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है जनता की ओर से, इंशाल्लाह उस सपोर्ट को देखते हुए हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। आप अपना टक्कर किस नेता से मानते हो, कौन है? टक्कर मेरी किसी से भी नहीं है, बस जनता है, बस जनता जो है सपोर्ट देगी उसी चीज़ के ऊपर मैं निर्भर हूँ, बाकी मुझे किसी टक्कर नहीं है, क्योंकि मुझे विकास के लिए काम करना, टकराने के लिए, लड़ाई करने के लिए तो बहुत सारे बैठे हैं सर है ना, उनका मुद्दा कुछ और होते हैं, कमिट कुछ और होता है, कुछ करते हैं, तो वो अपना वो सीन नहीं है। अच्छा, जनता कहती है कि कुर्सी मिलने के बाद ये लोग गरीब जनता को भूल जाते हैं, अगर आपको इज्जत मिली कामा विधानसभा से तो क्या? सर हम भूलेंगे नहीं, जिन लोगों ने काम नहीं किया उन लोगों को हम भुलाएंगे, बाकी हम ऐसा काम करेंगे कि इंशाल्लाह हमें जो भी पीढ़ी आएगी याद करेंगे कि यहाँ पे कोई नेता था अपने लोकल का, उसने ऐसा काम किया है। और जनता से भी यही रिक्वेस्ट है, आप लोकल ही चुनो, बाकी किसी के बहकावे में मत आओ, उसका ही आप सपोर्ट करो। टाइम बहुत कम है, क्षेत्र बहुत बड़ा है जी, आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या आप इंशाल्लाह उसके लिए हम तत्पर हैं, कर भी रहे हैं, और अल्लाह ने चाहे तो हम सारी चीज़ें अपने फेवर में करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आपने जनता की सेवा के लिए अपनी नौकरी छोड़ी है, तो क्या लगता है जनता आपके इस बार कामा से विधायक बना पाएगी? बिल्कुल, उम्मीदों पे दुनिया कायम है इंशाल्लाह, हमें जैसा सपोर्ट मिल रहा है वो हम चाहते हैं कि वो मिलता रहे, उम्मीदों पे दुनिया कायम है इंशाल्लाह, हमें जैसा सपोर्ट मिल रहा है वो हम चाहते हैं कि वो मिलता रहे, और उस सपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग विजय बनेंगे, और हम अपने जनता के सामने जो भी है परिस्थितियाँ हैं, जो भी मतलब यहाँ पर काम है, काम नहीं हुए हैं, जो भी दिक्कतें आई हैं पिछले सालों में और बहुत टाइम से आ रही है, उनको इंशाल्लाह हम वन शॉट में ही क्लियर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। से अभी हमारे साथ जो सादिक भाई, उनके पिताजी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी जी अंकल जी, जी आपका जो लड़का है सादिक है जी, उसने नौकरी छोड़ी है जी, जनता की सेवा करने, जनता की सेवा के लिए छोड़ी है। आपसे पूछ कर छोड़ी है या फिर पूरा पूरा परिवार का मशवरा था इसमें कि आप चुनाव लड़ो? नहीं, हमारा मशवरा कोई नहीं था चुनाव के लिए। इसने अपनी तबीयत से छोड़ी है और इसने बोला है भाई हमारे लिए नहीं तो बच्चों के लिए कॉलेज है यहाँ कोई, हमारी लड़कियाँ दूर दूर भटकती फिरती हैं, लड़कियाँ पढ़ती नहीं है कि क्यों पढ़ेंगे कहाँ से, लड़कियाँ जवान हो जाती हैं कॉलेज के टाइम तक, वो पढ़ेंगे कहाँ से, फिर कॉलेज हमें यहाँ चाहिए। हमें खुश होगी आपका लड़का ने ये जो कदम उठाया है कामा की जनता की सेवा करने के लिए, खुश हो आप इंशाल्लाह? अगर हमारा लड़का कामयाब हुआ तो हम सबसे पहले बच्चियों का कॉलेज यहाँ लाएंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। और भी नौजवान हमारे साथ है जी, क्या कहोगे भाई सादिक के लिए जिस तरीके से उसने कदम उठाया? भाई यही कहेंगे ही, अच्छा विकास करेंगे, जो भी काम अधूरा रह जाए, सड़क है, पानी है, सब काम कराएंगे, इंशाल्लाह कामयाब मिलेगी तो सादिक भाई के लिए। नाम क्या है, नाम क्या है? मेरा नाम हारून है। हारून जी, सादिक भाई ने जो कदम उठाया है कामा विधानसभा की जनता की सेवा करने के लिए, तो आपका जो गाँव है ये पूरा गाँव सपोर्ट कर रहा है? हाँ सपोर्ट कर रहा है। कल भी कामा फॉर्म भरने के लिए गाड़ी गई थी बहुत सारी, सबसे ज़्यादा भीड़ थी आप गाँव। तो क्या लगता है आपको, आप को इज्जत मिल पाएगी आपके गाँव? इंशाल्लाह अल्लाह को कम से मिलेगी। आप मेहनत कर रहे हो? मेहनत कर रहे हैं। नहीं कि ऐसा नहीं कि आप बीच रास्ते में सादिक भाई का साथ छोड़ो, ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं वो ऐसा होता है वैसे? नहीं आप तो नहीं छोड़ोगे? नहीं, वीडियो में कह रहे हो आप इस बात को? नहीं बिल्कुल सच कह रहे हैं, पूरी तरीके से सादिक भाई के साथ, पूरा गाँव सादिक भाई के साथ, इंशाल्लाह पूरा गाँव। अच्छा, मतलब आस पास के गाँव सब सादिक भाई के साथ? जी जान से, जी जान से। जनता का प्यार है और सबसे बड़ा मुद्दा ये है, सादिक भाई ने इसलिए नौकरी छोड़ी है कि जनता के लिए, विकास के लिए, जो जनता बोलेगी वो काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जी हाँ, अभी आप, मैंने आपको रूबरू करा दिया है सादिक भाई से, जिन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि मैं सिर्फ, मेरा जो मकसद आने का वो जनता की सेवा के लिए मैं यहाँ पर मैंने एक कदम उठाया, अन्यथा मैं भी नौकरी कर रहा था और मैं अच्छी खासी ज़िंदगी अपनी गुजार रहा था, लेकिन अभी जो मैंने कदम उठाए सिर्फ कामा विधानसभा की जनता की सेवा करने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। तो फिलहाल दोस्त इतना ही, फिर हाजिर होंगे इसी अपडेट लेकर, तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।